तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ये एक छोटा सा पैक अनबॉक्सिंग। और इसमें जो एक प्रोडक्ट आया है वो एक बॉल पेन मंगाए थे जो कि बिग कंपनी के थे ड्राइंग के लिए। तो क्योंकि दूसरे जो कंपनी के हम मंगाते हैं उस पर देखिए उसमें आपको पता चलेगा कैसे रिजल्ट है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। क्योंकि मेरे को अमेज़ॉन से 250 रुपये में मिले हैं, देखते हैं कितने हैं। आई थिंक 10 होंगे, पैकिंग ठीक है। का पैक है पिक, खोलते हैं जो कि बहुत कॉस्टली आने की आप मान लो 25 रुपये का ही हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस छः नौ तीन बारह हैं ये ना, 12 25 है। निकालते हैं कुछ इस टाइप का रहता है, ये देखिए आप इसकी ये इस टाइप का नोक रहता है ये। और इससे आप अगर देखेंगे इसमें तो अब हम इसको देखते हैं कैसे ड्राइंग होती है इसमें, ये प्रेशर के हिसाब से चलता है। इसको देखते हैं इसमें क्या होता है कि हम अगर जिस हिसाब से इसको अपन जो नॉर्मल जो बॉल पेन होते हैं, देखिए अब मैं इसको कुछ कर रहा हूँ कुछ नहीं चल रहा, अब मैं इसको जब प्रेशर दूंगा तब ये चलेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसमें सेटिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसको तब ताकत लगाऊंगा तो जब तक तेज चलेंगे, मतलब कि ये प्रेशर के हिसाब से चलते हैं। और अगर हम इसको प्रेशर देंगे तो ही ये डार्क चलेगा, अदरवाइज ये स्लो ही चलेगा। अगर हम दबाएंगे तो ये देखिए ताकत लगाई तो ये चला, ये लिखेंगे तो चलेगा, अदरवाइज़ हमको शेडिंग करना है। ये देखिए मैं बिना प्रेशर दिए कर रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को ही देखा ही आर्टिस्ट को, क्योंकि अगर हम दूसरा कोई पेन यूज़ करते हैं जैसे दूसरा कोई पेन है अब हम इसको देखो, इसको डार्क चाहेंगे, ये शेडिंग नहीं होगा इसमें, इसमें इतना अच्छा शेडिंग नहीं होगा। तो ताकत ये कहीं ना कहीं ज़रा भी प्रेशर अप्लाई हो जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे डार्क चलेगा। देखिए अब मेरे को थोड़ा लाइट प्रेशर करना है ये वाले से, इससे डार्क करना है, इसी को डार्क कर लो, प्रेशर दे दो। अब इसमें अगर हमें यहीं से डार्क करना है, डार्क प्रेशर देना है, ये प्रेशर दे दिया। जितना प्रेशर देंगे उतना ये हार्ड चलेगा, जितना लाइट कुछ नहीं करेंगे तो ये लाइट लाइट चलता रहेगा। ये वाला जो है ये आपको कहीं कहीं ये इंक छोड़ देगा, ये इंक नहीं छोड़ रहा है, देखिए आप ये डार्क इंक छोड़ देता है। अपन सब अगर थोड़ी देर ज़्यादा करते रहे तो ज़्यादा इंक छोड़ देता है, अदरवाइज ये नहीं देता है। इसमें स्मूथ शेडिंग आ रही है, इसमें नहीं आ रही। अगर हमें ब्लेंडिंग भी करनी है उस क्रॉस हैचिंग कर देंगे तो ये ऐसे क्रॉस हैचिंग में भी सीख हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस हैचिंग में भी कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। चलिए हम कोई इसका आगे ड्राइंग बनाएंगे और देखेंगे कैसा रिजल्ट है इसका।